क्या आप बीमार हैं? क्या अस्पतालों की लूट से बचना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं कम पैसे में बेहतर इलाज? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी लेना चाहते हैं कानूनी मदद? तो हम हैं आपके साथ। संपर्क करें 01244426059। नमस्कार, मैं ब्रज किशोर मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द हेल्थ केयर टुडे में। आज हम बात करेंगे इलाज के सिस्टम की। कई बार मरीज के इलाज में सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। बीमारी के हालात ऐसे होते हैं कि सर्जरी के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता, लेकिन इस सर्जरी में भी कई पैमाने होते हैं। किस हालात में सर्जरी की जानी चाहिए, किन हालात में सर्जरी नहीं सिर्फ दवाइयों से ही काम चल सकता है, यह निर्णय लेना डॉक्टरों के हाथ में होता है। फिर भी आज हम आपको सर्जरी की उन बारीकियों से रूबरू कराएंगे ताकि आप सर्जरी से पहले उनकी बातों को समझ सके, क्या सही मायने में सर्जरी की जरूरत है या नहीं। इसके लिए हमारे संवाददाता ने एक ऐसे वरिष्ठ सर्जन से बातचीत की जो कई कॉरपोरेट अस्पतालों में अपनी सेवा दे चुके हैं। अभी ये खुद दो अस्पताल सफल रूप से चला रहे हैं, साथ साथ अस्पताल के ही नाम से चैरिटी संस्था के लिए भी बड़े दिल से काम करते हैं। वे हैं डॉक्टर विक्रम सिंह। सर, आप इस चैरिटी से कब से जुड़े हो? इस चैरिटी से हम करीब अभी 2 साल हो गए हैं। तब से हम रेगुलरली यहाँ की जो हेल्थ केयर नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। और सर, अपना हॉस्पिटल होने के बावजूद यहाँ पर चैरिटी क्यों? देखिए, जब सबसे पहले हम लोग जब यहाँ आए थे तो जब यहाँ की हेल्थ नीड्स देखी लोगों की, ऐसे मतलब इतने आधे लोगों के वुंड्स के अंदर इन्फेक्शन हो गए, कीड़े पड़े हुए थे, कुछ लोगों के वुंड्स ख़राब हो गए थे, कुछ लोग चल नहीं पा रहे थे, तो ये सिर्फ एक ह्यूमैनिटी है कि आदमी आप अपने फेलो सिटीजन्स को, फेलो ह्यूमन बीइंग्स को ये देख के कि आप वो लोग कैसी कंडीशन में रह रहे हैं, इसलिए हमने लगा कि शायद हम इन लोगों को बेटर हेल्थ केयर दे सकते हैं। और हमारे पास हॉस्पिटल जो गुड़गांव में हमारा आरबी हॉस्पिटल है उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो हम ये उनका एक एक्सटेंशन है कि हम वहाँ पे जो सर्जिकल जिन पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है उनको हम वहाँ बुला के सर्जरी करते हैं और बाकी पेशेंट्स को हम रेगुलरली यहाँ आकर के चेकअप करते हैं और उनका हेल्थ केयर कर लेते हैं। सर, इस चैरिटी के लिए आगे आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारा इमीडिएट प्लान ये है कि हम किसी न किसी तरह से यहाँ के जितने भी लोग जो यहाँ पे रहते हैं उन सब का एक हेल्थ कार्ड बनाया जाए, उनके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनको उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि उनको कितनी हेल्थ इश्यूज़ हैं और इन हेल्थ इश्यूज़ को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो हमारी ये फ्यूचर प्लानिंग है कि ओवर ए कमिंग 2 to 3 months हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि ये पूरे का पूरा इनका हेल्थ इश्यू को हम एड्रेस कर सकें। डॉक्टर विक्रम, स्वागत है आपका हमारे शो में। सर्जरी एक ऐसा इलाज है जिसका कोई विकल्प नहीं है,
कई बार सर्जरी बेटर ऑप्शन भी है मर्ज के लिए, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर चंद पैसों के लिए मरीज़ की सर्जरी कर डालते हैं जबकि ज़रूरत नहीं होती, तो आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा नहीं है कि बिना किसी इंडिकेशन के ही कोई डॉक्टर सर्जरी करता है। अगर किसी पेशेंट को कोई सिम्टम्स हैं और अगर आप उसकी सर्जरी कर देते हो और सर्जरी के बाद उसके सिम्टम्स ठीक नहीं हुए तो पेशेंट आपके पीछे पड़ेगा कि आपने मेरी सर्जरी क्यों की। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई भी डॉक्टर बिना इंडिकेटेड कोई सर्जरी करता है। विक्रम, किडनी स्टोन के मरीज देश भर में हैं। ये किडनी स्टोन का दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके इलाज को लेकर काफ़ी द्वंद्व बना होता है। कोई सर्जन इस किडनी स्टोन की सर्जरी कर उसे निकालने की बात करते हैं तो कोई मेडिसिन से ही ठीक करने का दावा करते हैं। आखिर सर्जरी का पैमाना क्या है? स्टोन के किस साइज तक में हम मेडिसिन या सर्जरी का निर्णय लेते हैं? देखिए, आज की डेट में पूरे किडनी स्टोन के जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी फिक्स्ड गाइडलाइंस हैं कि किस साइज़ के स्टोन के ऊपर आपको सर्जरी करनी है। किस साइज़ से छोटे साइज़ का अगर है स्टोन तो उसकी सर्जरी नहीं करना होता है। सर्जरी जहाँ तक है कि अगर आपका स्टोन 9 to 10 millimeter के आसपास है तो उसमें सर्जरी इंडिकेटेड होती है। अगर आप 5 to 6 millimeter के स्टोन में सर्जरी करते हैं तो उसकी अलग इंडिकेशंस हैं कि मान लीजिए इम्पेक्टेड स्टोन है 5 to 6 millimeter का, वो किडनी में ग्रोस हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, किडनी में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और वो स्टोन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी निकल नहीं रहा या अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि साइज़ फिक्स, आपने साइज़ पकड़ लिया कि 1 centimeter का है तो ही मुझे सर्जरी करनी है। कई बार छोटे स्टोन में भी सर्जरी करनी पड़ती है, इसलिए ये बेस्ट है कि आपका जो डॉक्टर है वो आपको गाइड करेगा कि आपका स्टोन का साइज़ ये है और इसको जस्टिफाई करेगा कि यस इसमें सर्जरी इंडिकेटेड है, ऑल्दो द स्टोन साइज़ इज़ वेरी लेस। तो स्टोन का ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप इतना बड़ा स्टोन है तो ही उसकी सर्जरी करनी है और अगर छोटा स्टोन है तो उसकी सर्जरी नहीं करनी है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये साइज़ 5 millimeter है 6 millimeter है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट ए वेरी गुड चॉइस फॉर इन्वेस्टिगेशन, चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर किडनी स्टोन। कई बार क्या होता है कि अगर छोटा सा भी स्टोन है और मान लीजिए वो यूरेटर के अंदर पिछले 2 महीने से वहीं पर फंसा हुआ है और वो किडनी में बैक प्रेशर चेंजेस और हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो हमें उसको निकालना ही पड़ेगा चाहे उसका साइज़ 5 millimeter भी हो। उसके ऊपर अगर वो मान लीजिए किडनी स्टोन है, इम्पेक्टेड स्टोन है, बार बार उससे इन्फेक्शन हो रहा है, हीमेचूरिया हो रहा है, यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, मान लो ब्लैडर नेक के अंदर या कुछ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में कुछ फंसा हुआ स्टोन है, चाहे वो छोटा भी हो वो आपको यूरिन पास करने नहीं देगा, तो उस केसेस में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। यानी एक सामान्य दृष्टि से देखें तो किडनी स्टोन का साइज 7 mm से कम है तो संभव है इसका इलाज मेडिसिन से किया जा सकता है। इससे बड़े साइज के स्टोन निकाले जाने के लिए सर्जरी की एडवाइस की जाती है, लेकिन फिर भी आप खुद से यह निर्णय नहीं ले क्योंकि कई बार किडनी स्टोन का साइज कम होने के बाद भी वह ऐसे जगह पर फंसा होता है जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए इलाज में मेडिसिन लेना है या सर्जरी या डॉक्टर पर छोड़ दें, यह जानकारी आपको सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि कभी भी किसी भी तरह का शक हो तो सर्जरी में जाने से कम किसी एक दूसरे डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। वहीं बात करें हर्निया और अपेंडिक्स की तो इसमें भी सर्जरी ही बेहतर विकल्प है, तो क्या ये बीमारी जानलेवा है और कब इसकी सर्जरी करवानी चाहिए? देखिए, हर्निया और अपेंडिक्स इन दोनों का इलाज ही सर्जरी है, विकल्प नहीं है। ये एक रियलिटी है कि इसके सर्जरी के अलावा इनका कोई इलाज अभी तक नहीं हुआ है। अपेंडिक्स का जहाँ तक ख्याल है उसमें कुछ मेडिसिंस देके आप उसके अटैक को सबसाइड कर सकते हैं, बट उसके दोबारा होने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि अगर पेशेंट की हमने सर्जरी नहीं की फर्स्ट अटैक में और हमने उसको मेडिसिन से ठीक कर दिया तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 months के बाद उसको अपेंडिक्स रिमूव करवा लेना चाहिए, बिकॉज अपेंडिसाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बेशर्ते कि निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बट अगर उसको अंदर रखें और उसके कॉम्प्लिकेशन हो वो ज़्यादा हैं। इसलिए हम लोग उसका इनिशियली ही जो ट्रीटमेंट हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो सर्जरी है। जहाँ तक हर्निया की सवाल है, हर्निया में कोई सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, देर इज़ नो मेडिसिन फॉर हर्निया। सेकेंड ये होता है कि अगर आपने हर्निया में भी कुछ पेशेंट्स की हम सर्जरी नहीं करते हैं, वो वाले पेशेंट्स होते हैं जो मेडिकली फिट नहीं होते किसी ऑपरेशन के लिए, मान लीजिए 90 ईयर्स किसी की एज है, एक डायरेक्ट हर्निया है, वाइड नेक का है और अगर
आपके सर्जन डॉक्टर को लगता है कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रेंगुलेशन के चांसेस बहुत कम हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग सर्जरी एडवाइस नहीं करते, हर्निया में भी। बट मोस्ट ऑफ़ दी हर्निया में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनकी सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। अब आते हैं महिला मरीज़ की तरफ। तो डॉक्टर साहब, महिला मरीज़ में ओवरी कैंसर या ओवरी सिस्ट देखा जाता है, तो ये क्या वजह है जो ये सिर्फ महिलाओं में ही होता है, और इसकी सर्जरी कब करवाई जा सकती है? देखिए, महिलाओं में जेनाइटल ऑर्गन्स के तीनों ही कैंसर होते हैं। उसमें कैंसर सर्विक्स सबसे ऊपर आता है, फिर कैंसर ओवरीज का आता है, और फिर कैंसर यूट्रस का आता है। तीनों ही मतलब जेनाइटल ऑर्गन के तीनों ही ये जो ऑर्गन्स हैं, इनमें जब कैंसर होता है तो अगर अर्ली स्टेज में होता है तो सर्जरी ही इनका बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर लेटर स्टेज में होता है तो उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन देना पड़ता है, सर्जरी नॉर्मली उसमें नहीं होती। बट जहाँ तक आपने पूछा कि महिलाओं में ही क्यों होता है, बिकॉज जेनिटल ऑर्गन महिलाओं में होते हैं तो उन्हीं में ये कैंसर होता है। सर्विक्स के कैंसर के अलग कारण हैं, उसमें जैसे मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, या हाइजीन्स ठीक नहीं है, पेपिलोमा वायरस हो गया है बॉडी के अंदर, तो इन पेशेंट्स को सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता है, ज़्यादा इंसिडेंस होता है। जहाँ तक यूट्रस और ओवेरियन कैंसर हैं, वो नॉर्मली लेटर स्टेज में होते हैं, जैसे आपके पोस्ट मीनोपोजल एज में 45-50 ईयर्स के बाद में होते हैं। कुछ बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये वाले कैंसर्स होते हैं, और इन दोनों का भी जो बेहतर विकल्प है, अगर टाइमली डायग्नोज हो जाएं और अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाएं, तो सर्जरी ही एक क्यूरेटिव ऑप्शन है इसके अंदर। सर्जरी इन दिनों दो तरह की होती है, ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसकी गुणवत्ता और खर्च में कितना अंतर है? हमारा मकसद दर्शकों को कम से कम खर्च में बेहतर इलाज बताना है, इसलिए आप बताएं कि कम खर्च में बेहतर सर्जरी की तकनीक क्या हो सकती है? जो भी सर्जरी है वो ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपी दोनों ही आजकल भी होती हैं और पहले भी होती थी। जब से लेप्रोस्कोपी 90s के बाद जब से लेप्रोस्कोपी ज़्यादा आई है, तो तब से ओपन सर्जरी करना काफ़ी कम हो गया है। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, कॉस्ट अगर ओवरऑल देखें तो लेप्रोस्कोपी की कॉस्ट ओपन सर्जरी से कम पड़ती है। देखिए, आपने ओपन सर्जरी के बाद अगर आपने 10 दिन या 15 दिन घर में रेस्ट किया, तो आपका वर्क लॉस जो हुआ उसको कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, चांसेस ऑफ हर्निया फॉर्मेशन और चांसेस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक यूज़, ये सब चीज़ों की अगर कॉस्ट लगाएंगे तो वो शायद लेप्रोस्कोपी सस्ती ही पड़ेगी ओपन सर्जरी के बजाय। दूसरा है कि गुणवत्ता, गुणवत्ता में लेप्रोस्कोपी आजकल गोल्ड स्टैंडर्ड है कुछ सर्जरीज के लिए। वो इतना इजी है कि आजकल हम लोग इनको डे केयर सर्जरी में करते हैं, कि मॉर्निंग में सर्जरी करते हैं, शाम को पेशेंट को घर भेज देते हैं। तो आप देखिए, इतना कन्वीनियंटली आप कोई भी सर्जरी कर रहे हैं, तो इससे बेहतर गुणवत्ता कुछ। ये प्रोग्राम देश भर के लोग देख रहे हैं, बहुत सारे मरीज की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती। आप डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवा से भी जुड़े हैं। एक आखिरी सवाल ये बताएं कि मरीज का इलाज सस्ता कैसे हो सकता है, बेहतर गुणवत्ता वाली सर्जरी कम खर्चे में कैसे संभव? देखिए, लेप्रोस्कोपी सर्जरी की जहाँ तक बात है, उसमें उसकी जो कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। नंबर एक, आप अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशंस, अपनी पूरी जांच सर्जरी में एडमिशन से पहले आप करवा लीजिए। आप अपने बेहोशी वाले डॉक्टर से और अपने कार्डियक डॉक्टर से और सर्जन से आप फिटनेस ले लीजिए पहले ही, उससे पहले आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं। तो आपकी जो कॉस्ट, फिर उसमें से काफ़ी सारी सर्जरीज हैं जो डे केयर में भी की जा सकती हैं, जैसे आप मॉर्निंग में सर्जरी करेंगे, शाम को आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, तो इसमें कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी ये होता है कि आप अर्ली डिटेक्शन करें, जो भी बीमारी है अगर आप उसका जल्दी से उसका अगर वो डायग्नोज हो जाती है, तो उसका कॉस्ट ऑफ ओवरऑल ट्रीटमेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा ये है कि आप अगर इंश्योरेंस करवा लें अपना, तो उससे क्या होगा कि इंश्योरेंस में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आपकी पॉकेट से इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा जितना कई बार अनएक्सपेक्टेडली देना पड़ सकता है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, डे केयर सर्जरी, अर्ली डिटेक्शन और इंश्योरेंस, यही तीन एक ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सर्जरी कम हो सकती है। अदरवाइज़ हम किसी भी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और इससे कम अगर आप सर्जरी की कॉस्ट कम करेंगे तो उसमें आपके रिजल्ट्स जो हैं वो पुअर होंगे, और ऐसा कोई डॉक्टर करेगा नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सर्जरी से संबंधित कई जानकारी मिली होगी। फिर भी यदि किसी तरह का संदेह या सवाल रह जाता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आपको एक पुराने अपराध में नए मोड़ से रूबरू कराएंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
आप बीमार हैं? क्या अस्पतालों की लूट से बचना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं कम पैसे में बेहतर इलाज? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी लेना चाहते हैं कानूनी मदद? तो हम हैं आपके साथ। संपर्क करें 01244426059। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ठीक 2 महीने पहले गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल कैंपस में ही दूसरी कक्षा के छात्र प्रधुवन की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोपी बस कंडक्टर पकड़ा गया था। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था, लेकिन उसके गुनाह पर सवालिया निशान शुरू से लग रहे थे। मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई। अब सीबीआई ने उसी स्कूल के 11वीं के छात्र को प्रधुवन की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। छात्र ने उस मासूम की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी कि स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग और होने वाली परीक्षा टल जाए। आपने स्कूल के बिगड़ैल बच्चों को उद्दंडता, मारपीट, मर्डर करते पहले भी सुना होगा। इस तरह के बच्चे लगभग हर जगह पर हैं। इन बच्चों का करियर का पतन स्कूल से ही शुरू हो जाता है। यदि उनकी ओर ध्यान न दिया जाए तो वे आगे चलकर क्रिमिनल बन जाते हैं या कभी पुलिस के चपेट में आने के बाद मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं। सत्रह सितंबर 2017, 7 साल के एक बच्चे को उसका पिता स्कूल के दरवाजे तक छोड़ता है। बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता है। स्कूल है गुरुग्राम स्थित रियान इंटरनेशनल स्कूल। बच्चा क्लास तक पहुंच भी नहीं पाता और कोई गला रेत कर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। बच्चे को बस कंडक्टर और टीचर अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। बच्चे को छोड़ने के बाद महज 10 मिनट में पिता के पास फोन आता है कि आपका बच्चा अस्पताल में है। माँ बाप अस्पताल पहुंचते हैं और मिलती है उनके बच्चे की लाश। फिर शुरू होता है आरोपों का सिलसिला। सामने आता है वही स्कूल ड्राइवर जो बच्चे को सबसे पहले लेकर अस्पताल पहुंचता है। उसको हत्यारा, दरिंदा बताकर आरोपी करार दिया जाता है। लेकिन एक माँ का दिल नहीं मानता। वो जाकर सीबीआई का दरवाजा खटखटाती है अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए। फिर सीबीआई अपना काम शुरू करती है और फिर 8 नवंबर को केस एक नए मोड़ पर पहुंचता है। सीबीआई उसी स्कूल के 11वीं के छात्र को गिरफ्तार करती है और पूछताछ में पता चलता है कि उस छात्र ने अपना एग्जाम और पेरेंट्स टीचर मीट टालने के लिए एक बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। वाकई यह हादसा इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस शुरू से ही सवालों के कटघरे में रही और अंत में ये साबित हो ही गया कि हरियाणा पुलिस ने दोषी को बचाने के लिए किसी निर्दोष की जिंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
अब सवाल उठता है कि बच्चे इतने बिगड़ैल कैसे हो जाते हैं जो मर्डर तक कर बैठते हैं। तो यह कहीं ना कहीं उनके सामाजिक परिवेश, संगत, अभिभावकों की लापरवाही और मानसिक कमी का असर भी होता है। बच्चों को इतने ज़्यादा बिगड़ैल होने से बचाने के लिए उनकी काउंसलिंग से लेकर उन सभी विपरीत हालातों पर नज़र रखें। हम पहले मानसिक बीमारी को पागलपन या कुछ समझते थे, पर साइंस आज ये जानती है कि मनोवैज्ञानिक बीमारी भी ट्रांसमीटर्स का ही खेल है। हमारे दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन नाम के दो ट्रांसमीटर हैं जो हमारे व्यवहार पे सारा असर डालते हैं। जब हमारे दिमाग में डोपामिन की अधिकता हो जाती है तो हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, हमारा रिएक्शन बहुत बढ़ जाता है। तो डोपामिन की इफेक्टिवनेस होने से, बहुत बढ़ जाने से, आदमी पागलपन का शिकार भी हो जाता है। उसके दिमाग के ही दो हिस्से हो जाते हैं, वो अपने आप को कभी कभी भगवान, शैतान, कुछ और समझने लगता है और ऐसा सोचने लगता है कि मेरे अंदर बहुत पावर आ गई, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। देखने में अचरज की बात है, पर अगर हम डोपामिन को कंट्रोल में कर पाएं तो ये सारी की सारी मनोवैज्ञानिक फीलिंग्स और मान्यताएं सब खत्म हो जाती हैं आदमी के दिमाग से और वो शैतान से वापस सामान्य आदमी बन सकता है। इसी तरह सेरोटोनिन एक ऐसा ट्रांसमीटर है जो हमारे हौसले के लिए बहुत ज़रूरी है। सेरोटोनिन कम होने से हमारा दिमाग की जो ताकत है, हमारा हौसला है, वो चला जाता है और अधिकतर लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। सेरोटोनिन ज़्यादा बढ़ जाने से फिर मैनिया, हाइपर एक्टिविटी, उत्तेजना, ये सब बढ़ जाती है। तो अगर इन दोनों ट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है तो आदमी इन सब चीज़ों की तरफ चला जाता है, उसकी इम्पल्सिविटी बढ़ी जाती है और वो अचानक से ऐसी हरकतें कर बैठता है जिसे उसे बाद में पश्चाताप होता है, जो वो करना नहीं चाहता। देखिए, एक तो स्ट्रेस कम करना, नियमित रूप से खाना खाना, नियमित रूप से सोना, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो दिमाग की रिएक्टिविटी को कम करती हैं और स्थिति में नहीं लाती। पर कुछ लोगों को, जिनको ऐसा डिसऑर्डर है कि इसके बावजूद अपने आप को काबू में नहीं रख पाते, क्लोनाजेपाम नाम की एक दवाई है जो माउथ में डिजॉल्व हो जाती है और 2 से 5 मिनट में काम करती है, वो अपने साथ ऐसा रख सकते हैं कि अगर गुस्से का उफान या उत्तेजना बहुत आ रही है या रेस्टलेसनेस बहुत आ रही है तो जीभ के नीचे रख लें, गोली तुरंत घुल के 2 से 5 मिनट में काम करती है और आपके दिमाग को रेस्ट पे ले आती है, शांति पे ले आती है और आपकी उत्तेजना को खत्म कर देती है। अब हमें दीजिए इजाजत, जल्द ही हम बच्चों के व्यवहार और उनसे जुड़े उनके विकास के साथ साथ उनकी पढ़ाई और उसके उद्देश्य को लेकर एक प्रोग्राम लाएंगे। हम रखें आपका ख्याल। बीमार है क्या? अस्पतालों की लूट से बचना चाहते हैं क्या? कराना चाहते हैं कम पैसे में बेहतर इलाज? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी लेना चाहते हैं कानूनी मदद? तो हम हैं आपके साथ। संपर्क करें 01244426059।